हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। तो देखिए, सबसे पहला दर्शन जो मैं करा रही हूँ आपको, मेरे केशु मेरे लाडो को, कान्हा मेरे किशोरी को, देखिए किस तरीके से मेहंदी लगा रहे हैं। और आज इनका श्रृंगार कुछ इस तरीके से था, जो जो भी मैं क्लिप रिकॉर्ड कर पाई हूँ आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आनंद लीजिए। हरी हरी बोलो, हरी हरी। मोहन से प्रेम लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। मोहन से प्रेम ये देखिए, जो सुहाग की थाली है, ये मैं अपनी लाडो की सारी सुहाग का जो सामान है वो मैं सजा रही हूँ, उनकी चुनरी सजा रही हूँ। और अब मैं सर्वप्रथम पूजन, सबसे पहले लाडो की पूजन करूँगी मैं, उसके बाद में मैं सारा सुहाग का सामान उनको चढ़ा दूँगी, फिर मैं गौरी माता को चढ़ाऊँगी, और फिर मैं जो पूजन जैसे होती है वो करके अपनी लाडो को और सभी को कथा सुनाऊँगी। तो चलिए आनंद लेते हैं। हरी हरी बोलो। ये मेरी सिस्टर इन लॉ सारी तैयारी कर रही है, जो जैसे पूजन में होता है ये इस तरीके से बना रही है। और ये मेरे जो चांदी के पीतल के करवे हैं उस पे ये हमारे यहाँ पे जो थाप होता है वो दिया जाता है, तो ये वो सब कुछ कर रही है। और जितनी भी तैयारियाँ कर रही है, मैंने जितनी क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। Thank you.
सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उनका पूजन करना चाहिए, यानी दीवार पर जन्म की दासी
Y'all.